नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एवरेज चैनल। दोस्तों, IRCTC की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, ना आपसे फीस यहाँ पर लिया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे वगैरह करना है, ताकि आप इसमें गलती किसी प्रकार का कोई ना कर सके, ठीक है। और आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होता है, तो उनको भी यहाँ पर वीडियो जो है शेयर कीजिएगा या उनका भी फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन के लिए गवर्नमेंट भर्ती के बाद में ही जानकारी दी जाती है। और इसका PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन, मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो आप सभी को पता है कि IRCTC का क्या है फुल फॉर्म, आप सभी को पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आप कहीं भी यात्रा वगैरह करते हैं तो आप जरूर दोस्तों IRCTC से ही यहाँ पर अपनी टिकट वगैरह जो है वो बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी में वैकेंसी यहां पर आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी जो है ये परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के यहां पर पद जो है जारी किया गया है, ठीक है। और वीडियो स्किप करने से पहले ये जरूर जान लीजिएगा कि आपके परिवार में अगर कोई भी कैंडिडेट यहां पर 10+ ITI किया हुआ है, अप्रेंटिस करना चाहता है, तो उनको ये अप्रेंटिस जरूर करवाइएगा। क्यों करवाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप जो पढ़ाई करते हैं ITI वगैरह करते हैं या कोई भी यहां पर एजुकेशन लेते हैं, तो आपको सिर्फ जो है थ्योरी नॉलेज होती है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर नहीं होती है। लेकिन आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग जब करते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो दोस्तों यहां पर जो है आपको यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर करवाई जाती है, ठीक है। और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको यहां पर पैसे यानी कि स्टाइपेंड भी आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे चल के यहां पर जो वैकेंसी यहां पर निकाली जाती है, खासकर अप्रेंटिस वालों को ही यहां पर प्रीफर पहले दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो वैकेंसी निकल के आई है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा यहां पर बोलते हैं, और यहां पर दोस्तों आपसे क्या मांगा जा रहा है, सिर्फ इन्होंने 10+ ITI यहां पर मांगा जा रहा है, ठीक है। और जो 10th में जो परसेंटेज है आपकी यहां पर 50% यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। और 80 वैकेंसी यहां पर निकाला गया है, सिर्फ आपको दिल्ली में ही यहां पर आपका सिलेक्शन होता है, तो दिल्ली में ही जो भी यहां पर IRCTC के जितने भी यहां पर डिपार्टमेंट वगैरह है उसमें दोस्तों यहां पर जो है आपको यहां पर ट्रेनिंग वगैरह जो है 1 साल का यहां पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग का कोर्स जो है यहां पर करवाया जाएगा, ठीक है। एज की बात करें तो यहां पर मिनिमम मतलब जो 15 वर्ष का जो एरिया है कंप्लीट जो है वो आप 15 वर्ष जो है कंप्लीट कर चुके होना चाहिए, वो भी 1/4/2022 तक, और 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं दोस्तों SC/ST को 5 साल का एज वेरिफिकेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का, ठीक है, और डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन को 10 साल का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होगा। अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो भी अप्रेंटिस की भर्ती आती है आपको, अगर ITI से रिलेटेड आती है अप्रेंटिस की, तो यहां पर दोस्तों आपको जो है apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपको सबसे पहले यहां पर एनरोलमेंट वगैरह करना होता है। अगर आपने यहां पर ऑलरेडी कर रखा है इस वेबसाइट पे एनरोलमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन ID डाल के यहां पर जो है इसको यहां पर सर्च करना है, ठीक है, IRCTC को, तो आ जाएगा, उसको क्लिक करके यहां पर फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे लास्ट डेट जो है अपने 25/10/2022 तक आपको अप्लाई करना है, यानी 25 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, देखिए अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे की मैं बता रहा हूँ, तो रेलवे की मान के चले, तो यहाँ पर रेलवे का क्या होता है, मान लीजिए 10वीं में आपके आए हैं कितने, 70%, समझ गए, ITI में आए हैं आपके 80 नंबर, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर 150 हो गया, समझ गए, 150 हो गया। अब इस 150 को क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ से डिवाइड कर देते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं, आधा कर देना है, तो कितना परसेंट हो गया दोस्तों यहाँ पर 75% यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो इसी परसेंट 75% को किस में काउंट करते हैं, ये मेरिट में यहाँ पर काउंट करते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये अपनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें फॉर्मूले की बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है मेरे हिसाब से रेलवे में जी जो फॉर्मूला काउंट लगता है इसी फॉर्मूले पर ही दोस्तों आपका जो मेरिट जो है यहाँ पर बनेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ITI और 10th और ITI के परसेंटेज को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका कितना परसेंट बन रहा है वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। कि यहाँ पर दोस्तों हम बात करें अगले, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो है
जो मेरिट बेस्ड यहाँ पर होने वाला है, समझ गए। इसके अलावा जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा आपको मंथली, मतलब 12 मंथ तक आपको मिलेगा, 1 ईयर तक, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई करने का मैंने प्रोसेस तो बता ही दिया, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी सूचना जारी होती है या अन्य कोई जानकारी आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से भी मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।